अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सोना सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आशीष यहाँ तक पहुँच जाए, साफ पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में बेटा, तुम्हारा घर गृहस्थी साफ। नहीं नहीं आंटी, हम उन्हें यहाँ घर नहीं आने दे सकते, आशीष को कुछ नहीं पता चलना चाहिए आंटी प्लीज। हाँ मैं चलूंगी आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ। हाँ शाबाश, ये बात ठीक है। ये औरत मुझे कहीं फंसा ना दे, नहीं कल नहीं जाऊंगी। इसका साथ दे रही थी क्योंकि मैत्री की खुशियां छीननी थी मुझे, बाकी इसके दूसरे मैटर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कल कोई बहाना बना दूंगी। हर्ष आज काम पे जाना जरूरी है क्या? कल ही एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा आराम कर लो। हर्ष एक बार फिर से पूछ रही हूँ तुमसे कि तुम्हें सच में ये लग रहा है कि मैं मम्मी जी के बारे में तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैत्री मम्मी का चैप्टर अब ओवर हो चुका है, अच्छा होगा तुम भी ये किताब बंद कर दो। ड्राइव करके क्यों जा रहे हो कैब लेके? ये करना तो नहीं चाहते थे हर्ष, मुझे ये करना होगा ये सच्चाई दिखाने के लिए। ये सच्चाई की हवा ही हमारे रिश्ते पे आए हुए बादलों को हटा सकती है। हेलो हेलो, कामना घोष के बेटे? नहीं नहीं, कामना तिवारी के बेटे बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। बताओगे क्यों फोन किया? तुम्हारी माँ के खिलाफ मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो सबके सामने आ गया तो उनका उड़ी बाबा हो जाएगा, समझे? आज शाम 5 बजे माता रानी चौक वाले मंदिर के पीछे जो आम का बगीचा है वहां जाना, और सुनो जरा जिगरा मजबूत करके आना, और अगर नहीं आए तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। कौन बोल रहा है? हेलो चल नंदू, यही राइट टाइम है, अब गिरा दे पानी, कोई नहीं देख रहा है। सुना? अरे ताका झांकी करती हुई चलेगी तो पैर तो फिसलेगा ही ना, नजर सामने रख के चलना चाहिए ना बहू, इधर उधर बगले झांकते हुए दूसरों के कमरे में अगर चलोगी तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन गिरा कैसे? हेलो गिरी कैसे? कौन है तुम और हमारे बारे में इतना सब कैसे जानता है? कल हमारे एक आदमी ने फोन किया था, वो फोन हमने ही करवाया था। पैसे कहाँ हैं? लाया है ना, ये रहा।
पैसा देने के लिए ही लाया है। लेकिन पहले सबूत, सबूत लो, पैसा ले लो। पहली बार एक ऐसा इंसान देखा है जो अपने ही बारे में सबूत मांग रहा है। तुम्हें रात को नींद नहीं आती होगी ना? जितने पाप तुमने किए सब तुम्हारे सामने नाचते होंगे। चलो क्या क्या दिखाएं? ये तुमने मदन तिवारी को फंसा के उनसे धोखे से शादी की, या फिर ये कि कैसे बचपन से ही तुम अपने बेटे हर्ष का इस्तेमाल करती हुई आई हो? और कैसे हर्ष की शादी भी धोखे से तुमने कराई? या फिर ये कि त्रिवेणी सदन को हड़पने के मंसूबे से तुम त्रिवेणी सदन में रुकी हो? या फिर एक एक कैसे तुम अपनी बहू मैत्री के साथ गंदे खेल खेल रही हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।